यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज ये है, अभी वो जा रहे हैं पोलैंड, पोलैंड से वो कहाँ जाएंगे, जी मैं यूक्रेन जाऊंगा, और कोई पता नहीं है। एक मैं बढ़िया हम बात बताऊं आपको, कोई पता नहीं है रशिया इतने अरसे के लिए, ये एक आधे दिन के लिए जंग को कोई रोक दे, अन जिसे कहते हैं ना अन अनाउंस्ड सीज फायर का ऐलान कर दे, ठीक है। देख ले तो इस वक्त इंडिया एक एशियन टाइगर है, एशियन टाइगर इंडिया, आप मानते हैं इस बात को? मैं इसको ओपनली मानता हूँ, इंडिया जो है वो इस वक्त जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में है उसमें इंडिया एशियन टाइगर है। अच्छा। और काफी आगे रन कर, जब दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज आपस में लड़ पड़ेंगी वो अपनी इंडस्ट्री पे ध्यान ही नहीं देगी, वो जस्ट आपस में लड़ते रहेंगे, लड़ाई करते रहेंगे, तो सारा फायदा इंडिया का ही है। दुनिया में जितनी ज्यादा सेल या जितनी ज्यादा प्रोडक्शन का काम है वो इंडिया से जाएगा, खाने से लेके पीने से लेके कपड़े से लेके जूते से लेके हर ईच एंड एवरीथिंग, जब इतना ज्यादा प्रॉफिट इंडिया को मिलेगा। ऊपर बात वो ये है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो यूक्रेन जा रहे हैं इस वक्त, और ये जो है ये किसी ना किसी जगह जाके मुझे लगता है कि अभी खत्म हो जाएगा, ये जो इसकी ये एक दफा ये सीज फायर हो और अल्लाह करे जल्दी हो जाए, ये सॉफ्ट पावर की इस्तेमाल करके इमर्ज हो रही है, तो ये अच्छा होगा कि अगर कोई मुल्क किसी से आगे बढ़ना चाहता है तो वो सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करे, अगर अगर वो किसी न्यूक्लियर वेपन की तरफ जाते हैं तो जाहिर बात है उनको भी नुकसान होगा। और ये विजिट बहुत इंपॉर्टेंट है, मिलने इसका मतलब ये होता है कि मोदी साहब का कोई भी दौरा सिर्फ टॉक ऑफ द टाउन नहीं होता, टॉक ऑफ द वर्ल्ड होता है। इंडिया एक ऐसी ताकत है कि दुनिया के बेशुमार ऐसे कंट्रीज हैं जो ये चाहते हैं कि इंडिया उनकी तरफ रहे, या भारत का वजीर आजम जो है वो उनकी साइड ले, दूसरे की साइड क्यों ले रहा है, हमारी साइड ले। इसके पास ज्यादा पावर हो, इकोनॉमी हो, उसकी चल रही है, वेपन की पावर की बातें जो हैं वो आजकल खत्म हो गई हैं, क्योंकि 24 का जमाना चल रहा है। तो हम कब निकलेंगे ये एटम बम और बटन से? हम तो दुनिया से 100 साल या 200 साल पीछे हैं। दोस्तों मोदी जी पोलैंड पहुंच चुके हैं और अब वो यूक्रेन जाएंगे, पूरी दुनिया इस वक्त दोस्तों मोदी जी की तरफ देख रही है कि मोदी जी किसी तरीके से इस युद्ध को रुकवा दें। दोस्तों आज अमेरिका और यूरोप बहुत परेशान है इस युद्ध की वजह से, क्योंकि उनको भी अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। आप देख ही रहे हैं कि किस तरह यूक्रेन को उनको हथियार देने पड़ते हैं, उसकी मदद करनी पड़ती है, ये सारा खर्चा यूरोपियन कंट्रीज उठाती हैं, अमेरिका उठाता है, लेकिन रशिया अकेले ही लड़ रहा है, वो अपना तेल बेच रहा है, लेकिन बहुत नुकसान हो रहा है दोस्तों। दुनिया के अंदर महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इसलिए पूरी दुनिया ये चाहती है कि ये जो लड़ाई है ये रुक जाए, ये युद्ध रुक जाए। मोदी जी जा रहे हैं इसीलिए सारी दुनिया इस पर नज़र गड़ाए बैठी है कि किसी तरीके मोदी जी जाके ये युद्ध रुकवा दें, क्योंकि मोदी जी वो पावरफुल इंसान है जिसकी बात पुतिन कभी नहीं टालेगा, और जेलेंस्की की तो खैर औकात ही नहीं है इतनी। आप क्या समझते हैं दोस्तों, प्लीज कमेंट्स करके बताइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी पोलैंड एंड यूक्रेन का दौरा कर रहे हैं, और मजे की बात यह है कि पिछले महीने ही तो अभी वो रशिया गए हुए थे। बहुत सारे दोस्तों का ये कहना है कि नरेंद्र मोदी इस पोजिशन में मौजूद हैं कि वो चाहें तो भारत एक ऐसा रोल अदा कर सकता है जिसमें यूक्रेन और जो रशिया के मामलात हैं वो करीब लाए जा सकते हैं, ये क्योंकि चाइना के पास वो रोल मौजूद नहीं है, क्योंकि अमेरिकन पसंद नहीं करेंगे, और गो के इस वक्त यूरोप के अंदर से बहुत सारी ऐसी आवाज़ें आ रही हैं, और वो आवाज़ें यही हैं कि हमें इस जंग को बंद करना चाहिए। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, अभी वो जा रहे हैं पोलैंड, पोलैंड से वो कहाँ जाएंगे, जी मैं यूक्रेन जाऊंगा, और कोई पता नहीं है। एक मैं बढ़िया हम बात बताऊं आपको, कोई पता नहीं है रशिया इतने अरसे के लिए, ये एक आधे दिन के लिए जंग को कोई रोक दे, अन जिसे कहते हैं ना अन अनाउंस्ड सीज फायर का ऐलान कर दे, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस के यूक्रेन की फोर्सेस उन पे हमला ना करें। और ये विजिट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये समझ लें कि नरेंद्र मोदी साहब ने प्रेसिडेंट पुतिन को गले लगाने के बाद, उनको हक करने के बाद अब वो जेलेंस्की से मिलेंगे। तो आपको याद होगा कि मोदी साहब का जो दौरा था मॉस्को का, वो बहुत टॉक ऑफ द टाउन रहा, यानी टॉक ऑफ द टाउन जब हम कहते हैं तो आप समझ लें इसका मतलब ये होता है कि मोदी साहब का कोई भी दौरा सिर्फ टॉक ऑफ द टाउन नहीं होता, टॉक ऑफ द वर्ल्ड होता है। पूरी दुनिया से उस विजिट पर बात की गई, और बहुत उनका सक्सेसफुल विजिट था वो। और क्या आप प्रेसिडेंट पुतिन उसको क्रिटिसाइज करेंगे? नहीं,
मुझे ऐसा नहीं लगता कि पुतिन इसको क्रिटिसाइज करेंगे, क्योंकि उनको पहले से पता है कि उन्होंने उधर जाना है, और वो इस तरह की नज़र भी नहीं आता उनकी तरफ से कि वो ऐसा कोई काम करेंगे। लेकिन ज़ेलेंस्की की तरफ से हमें कई बार ऐसा नज़र आया है कि वो थोड़े से इनसिक्योर भी हो जाते हैं, और हो सकता है कि वो भी होता है ना कि आप कहते हैं कि भाई ये बंदा तो मेरा है, ये कंट्री के साथ मेरे भी रिलेशंस हैं, तो मेरे जो दुश्मन है उसके पास क्यों गया। लेकिन ये होता रहा, इससे हमें ये भी नज़र आता है कि इंडिया एक ऐसी ताकत है कि दुनिया के बेशुमार ऐसे कंट्रीज़ हैं जो ये चाहते हैं कि इंडिया उनकी तरफ रहे, या भारत का वज़ीर आज़म जो है वो उनकी साइड ले। दूसरे की साइड क्यों ले रहा है, हमारी साइड ले। देखिए ना, अगर कोई आपका दुश्मन होता है तो वो अपने दुश्मन के लिए तो आप ऐसा नहीं सोचते ना, कभी भी नहीं सोचेंगे कि भाई मेरा दुश्मन जो मेरी साइड ले। नहीं, एक ऐसे कंट्री के बारे में यह सोचा जा सकता है कि जो दरमियान में मौजूद हो, जो जिसके ऊपर यह ना हो कि ये उसकी साइड लेगा तो मेरी साइड नहीं लेगा। तो इस यही वजह है कि हमें कंट्रीज के बीच इस तरह की कन्फ्रंटेशन नजर आती है, जिसमें यह कोशिश की जाती है कि भारत को अपनी तरफ खींचा जाए। अच्छा, अब आप ये देखें कि ये जो शतरंज की बिसात है जियोपॉलिटिक्स की, इसके ऊपर इंडिया और मोदी साहब कैसे ज़बरदस्त तरीके से खेल रहे हैं, अपनी चालें चल रहे हैं। बड़े लेवल का लीडर जिसकी बात दुनिया सुनती हो, जिससे दुनिया बात करती हो, और जो एक ऐसा स्टेटस रखता हो कि वो किसी को कोई बात कहना चाहे तो धड़ल्ले से कह सके। बात करें दुनिया की जितनी भी सुपर पावर कंट्रीज है, डिफरेंट वर्ल्ड की जो है समिट में बैठते हैं या डिफरेंट फोरम पे जाते, कहते पीस प्रमोट करते हैं, दुनिया को पीस का पैगाम देते हैं, और जिसके साथ खारबाजी हो उसको सीधा कहते हैं भाई तुझे तो ठोकेंगे पहली फुर्सत में। आजकल दुनिया में ये चल रहा है कि जिसके पास ज्यादा पावर हो उसकी चलती है पावर, वेपन वाली पावर ना, कि डॉलर वाली पावर, डॉलर की पावर, क्योंकि इकानमी काफ़ी आजकल ग्रोथ कर रही है, जिसके पास ज़्यादा पावर हो इकानमी हो उसकी चल रही है। वेपन की पावर की बातें जो हैं वो आजकल ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि 24 का ज़माना चल रहा है। तो हम कब निकलेंगे ये एटम बम और बटन से? हम तो दुनिया से 100 साल या 200 साल पीछे हैं, ये जस्ट बातें चल रही हैं और तो कुछ भी नहीं है। और तो कुछ अच्छा, अगर लेट्स सपोज, जैसे आपने कहा ऐसा होगा नहीं, क्योंकि देखिए दुनिया में तीन ही सुपर पावर्स हैं, अमेरिका, चाइना एंड तीसरी बनने वाली इंडिया, ठीक हो गया ये साउथ एशिया के अंदर। इंडिया को फ्यूचर में आप कितना ग्रो होता देख रहे हैं, और अगर इस तरह हर तरफ जंगे होती है, जैसे रशिया यूक्रेन लड़े हैं, इसराइल फलस्तीन लड़े हैं, अमेरिका और चाइना के आपस में भी नहीं बनती, इंडिया और चाइना की भी नहीं बनती, तो इंडिया इसमें कितना फ़ायदा उठाएगा? अगर एशिया में आप देख ले तो इस वक्त इंडिया एक एशियन टाइगर है, एशियन टाइगर इंडिया, आप मानते हैं इस बात को? मैं इसको ओपनली मानता हूँ, इंडिया जो है वो इस वक्त जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में है उसमें इंडिया एशियन टाइगर है। अच्छा? और काफी आगे रन कर रहे हैं। इंडिया और पाकिस्तान के तालुकात कैसे देख रहे हैं आप? इंडिया पाकिस्तान के तालुकात के बारे में तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर पाकिस्तान में कुछ पीसफुल पार्टीज़ आए और इंडिया में, तो इंशाल्लाह हमारे तालुकात अच्छे हो सकते हैं, और मैं इंडिया को एक दुश्मन नहीं समझता, मैं चाहता हूँ समझना भी नहीं चाहिए भाई, पड़ोसियों को क्यों दुश्मन समझें, क्योंकि अगर आप अमेरिका को देखें, आप फ्रांस को देखें, आप इंग्लैंड को देखें, आप चाइना को देखें, आप रशिया को देखें, यूरोप के अंदर की लड़ाइयां देख ले, आप किसी भी स्टेट को देखें, सारे बड़े कंट्रीज हैं वो अपने अपने दुश्मनों, अपने नाइबर को दुश्मन नहीं समझते। एक पाकिस्तान है, एक तरफ हमने अफगानिस्तान को दुश्मन बनाया है, तो दूसरे तरफ ईरान को बनाया है, एक तरफ इंडिया को बनाया है, हर तरफ से हमने खुद के लिए मसले खड़े किए हैं। अगर आप इसे देखे जाए ना, आप लोगों को पता होगा कि एक हार्ड पावर है, एक सॉफ्ट पावर होती है, तो अभी अगर हम इंडिया की उसमें देखें तो वो सॉफ्ट पावर इस्तेमाल करके इमर्ज हो रही है। का दावा है कि हम तीसरी टर्म में वर्ल्ड की थर्ड बड़ी पावर होंगे, तो अब अगर इस तरह की दुनिया की पॉलिटिक्स में चेंज आ रहा है तो इंडिया की तो बात पूरी हो रही है। जी जी, अभी तो लड़ाई में नहीं है किसी जी के जी साथ। अगर वो एक क्लेम कर रही है कि हम ये बनने जा रहे हैं, तो हो सकती है अगर हम इस बात को देखें तो फिर ये वाजे नजर आ रही है कि अगर ये दोनों जो अभी लड़ पड़ते हैं, हम जो हम देख रहे हैं या जो दिख रहे हैं बाहर दुनिया को, तो ये इंडिया सॉफ्ट पावर इस्तेमाल करके अपने आप को इमर्ज कर रही है।